अगर आप फर्स्ट टाइम जिम आ रहे हो, यानी वेरी फर्स्ट डे, यानी जिसका पहला दिन हो, तो जिम में क्या वर्कआउट करना है, कैसा वर्कआउट करना है, सबसे फर्स्ट अगर आप जिम आए हो तो ये आपकी एक नई शुरुआत है, क्योंकि आप एक्सरसाइज हो या फिर आपका कोई भी गोल हो, आप स्पोर्ट्स में हो, जो भी है, आपने एक पर्टिकुलर गोल डिसाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइजेज करना है। और ये एक्सरसाइजेज अगर आप नए हो तो फर्स्ट आप ट्रेनर की हेल्प लें, और अगर ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं हो आपके पास में, तो आप जिस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं वो आप देख के उसमें अपने वर्कआउट में ऐड कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट डे यानी पहले दिन, जब फर्स्ट में आते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, आप भी इधर आ जाओ थोड़ा सा, सबसे फर्स्ट डे आते हैं तो आपको क्या लगता है, मैं बहुत एक्सरसाइज कर लूँ, यानी बहुत एक्सरसाइज करने का मन में ऐसा आता है कि आते ही मैं इतना मशीन, इतना सबसे फर्स्ट बहुत सारा एक्सरसाइज कर लूँ, बट एक्सरसाइज बहुत ही कम करना है शुरू में, क्योंकि ये आपका 1 से 2 वीक, जब आप इससे थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे उसके बाद आपकी एक्सरसाइज बढ़ेगी, उसी के बाद आपका डाइट थोड़ा थोड़ा, डाइट भी चेंज होगा और थोड़ा एक्सरसाइज भी चेंज होगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी जिम में आओ, सबसे पहले ध्यान रखो वार्म अप्स, यानी वार्म अप्स आपको करना ही करना है। अगर वार्म अप्स का मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं जो अपने चैनल पे है, अपने जिम के चैनल पे। और अगर आप फर्स्ट टाइम वार्म अप्स करना है तो वार्म अप्स कैसा करते हैं, चलिए आप इधर आ जाओ थोड़े से, ओके आप इधर आ जाओ। सबसे फर्स्ट अपने जो बॉडी के बॉडी पार्ट्स है उसमें रोटेशंस, तो अपन एंकल से स्टार्ट करेंगे। एंकल रोटेशन से रोटेट करो 5 टाइम ऐसा, क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैर से आपको ओनली 5 टाइम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद में अपना उसके ऊपर बॉडी पार्ट कौन सा आया, वेस्ट, कमर, कमर को सेम मूव करो, हाँ वेरी गुड, 5 टाइम ऐसा और 5 टाइम रिवर्स, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, यस, नाइस एंड स्लो, फास्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्लो मूवमेंट के साथ अपने को परफॉर्म करना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट अपन आ रहे हैं अपने शोल्डर पे, तो सबसे फर्स्ट आप जो है अपने शोल्डर मूवमेंट से ये वाले जो है हाफ मूवमेंट के साथ इसको परफॉर्म करो, 5 टाइम ऐसा और 5 टाइम ऐसा, उसके बाद में सेम मूवमेंट्स थोड़ा और प्रॉपर उसको 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। परफेक्ट, उसके बाद आप पूरा नेक स्लो स्लो मूवमेंट के साथ, और आंख आपकी खुली होनी चाहिए, परफेक्ट, ओनली 5 टाइम, वेरी गुड। उसके बाद में आप अपने जो शोल्डर है मूवमेंट है उनको और थोड़ा कर अपन करने के लिए इसको पूरा पूरे सर्किल्स बनाओ, यस, और फिर रिवर्स थोड़ा सा आप आगे आ जाओ हल्का सा, वेरी गुड, ओके पूरे, हाँ वेरी गुड, ये सर्कल्स ऐसे बनाओ, वेरी गुड। ये जो एक्सरसाइज है आपको करना ही करना है। अभी आप फर्स्ट टाइम अब आए हो तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि शुरू में आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करना है, और
अगर आप साइकिलिंग या ट्रेडमिल पे भी है तो सिर्फ वॉक करना है, ऐसा नहीं कि आपको फुल रनिंग करना है। कुछ टाइम पीरियड होगा जब आप यूज टू हो जाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की हार्डनेस इंक्रीज होगी। ये था अपना वार्म अप्स। अभी जो सबसे फर्स्ट जो अपन वर्कआउट ले रहे हैं वो है पुशअप्स। बिल्कुल बेसिक मूवमेंट है, बट पुशअप्स कैसे परफॉर्म करना है वो अपन देखते हैं। चलिए सबसे पहले जो अपन नॉर्मल जो पुशअप हैं, ये अपनी नॉर्मल पुशअप की पोजीशन होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अपना पुशअप का डिटेल वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। बट आप एज ए बिगनर हो तो परफॉर्म करने के लिए एक जन कोई भी आप आ जाओ, हाँ यहाँ पे हाथ रखो, हाथों की पोजीशन रखो, ओके। हाँ ये नॉर्मल पुशअप्स है, बट अगर आप नहीं कर पाओ तो इसके लिए आप नी को टच कर लो, यहाँ पे ये क्रॉस कर लो, उतना ही आपको रखना है। थोड़ा सा आप आगे ले लो, क्योंकि आपका जो चेस्ट है ये दोनों के बीच में आना चाहिए, ना कि फेस, ठीक है। यहाँ से अच्छे से प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको धक्का मारना है, फ्लोर टच होना चाहिए। जब आप अप आओगे तो ब्रेथ आउट करना है, सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करो आप भी। हाँ वेरी गुड, नाइस एंड स्लो स्लो, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, ठीक है। 10 काउंट करना है आपको, वेरी गुड परफेक्ट, वेरी गुड। 5 भी जाएगा तो भी इट्स ओके, ये क्या फर्स्ट डे है, कोई इशू नहीं है, 5 भी जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। आप आ जाओ भाई, चलो आप दोनों आओ, अभी स्टार्ट करो सेम। नहीं नहीं नहीं, अरे आप स्टार्ट करोगे तो ये बिल्कुल यहीं से शुरुआत होती है आपकी। अगर आप शुरुआत करोगे तभी तो आगे जाओगे। आपको सबसे फर्स्ट जिम में ये चीज़ ध्यान रखना है कि मोटिवेटेड रहना है। कौन क्या कर रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप जिस चीज़ के लिए आए हो उसको गोल को ध्यान में रखो और बिल्कुल उसको परफॉर्म करो, ठीक है। कोई इश्यू नहीं, आप स्टार्ट करो, 2 जाएगा 3 जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद 10 नहीं 20 भी जाएगा। चलो ओके, हाँ हाँ घुटना, वेरी गुड परफेक्ट, ठीक है ओके, हाँ डाउन, वेरी गुड। आप थोड़ा आगे जा रहे हो, थोड़ा हाँ मतलब पैर और पीछे ले लो थोड़े से, हाँ ओके ठीक है ओके। मतलब ये जो चेस्ट है वही आपका यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करो, हाँ वेरी गुड परफेक्ट, वेरी गुड परफेक्ट, ठीक है ठीक है। क्या आपको और भी डिफिकल्टी आती है तो मैं उसका भी, उससे भी, इससे भी लाइटर वर्जन देता हूं आपको, वेरी गुड परफेक्ट। ये आपको 10 करने हैं स्लो, यहां ब्रेथ आउट करना है, सांस बाहर छोड़ना आपको, ठीक है। चलो स्लो, वेरी गुड वेरी गुड, यस ओनली 10, सिर्फ 10 करना है, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर यही अपन 20-30 कर लेंगे तो एनर्जी इधर ही अपना फिनिश हो जाएगा, पूरा बर्न आउट होगा, अपन आगे का वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। आपको अगर इसमें भी डिफिकल्टी आ रही है, मैं इससे भी आपको एक लाइट चीज आपको मैं बताता हूँ। चलिए आप क्या करो, यहाँ पे नॉर्मल वे में इसको सपोर्ट लो, ठीक है ये, और आप ठीक है नाइस एंड स्लो, चलो हाँ हाँ थोड़े से आगे हो जाओ हल्के से, ओके हाँ 10 है, अगर फेस्ट लगेगा आपको गर्दन सीधे, हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे रहो हाथ में, सही थे पोजीशन, ठीक है हाँ ओके ओके परफेक्ट, यस वेरी गुड। सेम आपको अगर आप नी पुशअप्स नहीं कर पाओ तो आप नॉर्मल वे में इससे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद में नी पुशअप पे जा सकते हैं, और कुछ टाइम बाद में आपको नॉर्मल पुशअप्स पे आप आ जाएंगे, ठीक है। ये था अपना सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज अपन ने लिया, वो है पुशअप्स।
अभी जो लेना है वो है स्क्वाट। स्क्वाट क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका पूरा बॉडी का फाउंडेशन जिस पे आप खड़े हो वो इसी पे टिका हुआ है। अभी नॉर्मल जो स्क्वाट का पोजीशन होता है वो होता है कि ये आपके पैर हैं, लिटिल पॉइंट आउट हैं, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, जितना शोल्डर विड्थ जितना है, ठीक है, आपको आगे नहीं बैठना है, पीछे बैठना है, ठीक है, यानी आपके जो ये नी है वो टोके बाहर नहीं जाने चाहिए और आपका ये नीचे का जो पोजीशन है वो 90 डिग्री फ्लोट के ऐसा होना चाहिए। बट ये आप परफॉर्म अभी नहीं कर पाओगे इस, क्योंकि अगर कर पाते हो तो बेटर है। इसके लिए मैं एक छोटा सा इसका लाइटर वर्जन लाता हूँ। आपको इसका सपोर्ट नहीं लेना है, बट आप ये परफॉर्म करने जाओगे तो अगर डिसबैलेंस होते भी हो तो यहीं तक होगा, आप नीचे गिरोगे नहीं, ठीक है। इसमें वही ध्यान रखना है, इसका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन कैसे स्क्वाट लगाते हैं अपने लेग्स वर्कआउट में आपको मिलेगा, बट कैसे परफॉर्म करते हैं, चलिए आओ आप आओ, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, वेरी गुड, चलिए चलो आप पहले आप ही लगाओ, वेरी गुड, स्लो स्लो मूवमेंट, स्लो आपका रहेगा, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, नाइस एंड स्लो, परफेक्ट, ब्रेथ आउट, वेरी गुड, परफेक्ट। ये आपको 10-10 के दो सेट आपको लगाने के हैं, चलिए आप आओ, आप आओ, कोई इश्यू नहीं, उस पर क्या आपको आपको करना है, हाँ ओके ठीक है, हाँ बैठो, ओके देखो देखो अभी यही हो रहा है, यानी ये घुटना है वो टोके बाहर नहीं जाएगा आपका, आपको आप पीछे की साइड में बैठना है, चलो हाँ हाँ हाँ, और उसके और पीछे हो जाओ थोड़े, बैठो, गिरोगे नहीं आप, उसके ऊपर ही रहेगा तो उस पर बैठ जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, चलिए स्टार्ट करो, हाँ कमर ऐसा बिल्कुल सीधा, ऐसा स्ट्रेट, ऐसा सीधा रखो, ऐसा चलो, हाँ वेरी गुड, और नीचे जाओ, हाँ नहीं नहीं ये उसके नीचे नहीं, ये जो इसके नीचे मत जाओ, ठीक है, थोड़ा और पीछे जाओ, किया और पीछे हो जाओ थोड़ा, ठीक है ओके वेरी गुड, ठीक है ओके, नहीं पूरा और थोड़ा नीचे जाना है, हल्का आप आगे आओ, थोड़ा पोजीशन आ नहीं रहा आपका, हाँ ओके, हाँ पीछे आपको उस पे उसके ऊपर बैठना है, ऐसा समझो आप उसके ऊपर बैठना है आपको, हाँ 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 ये आएगा तो और थोड़ा और डाउन जाओ, यस परफेक्ट, नी अभी भी बाहर आ रहा है बट धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। आप इस तरीके से शुरू में 10-10 के दो से आप स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे, आप नर्वस क्यों हो? नर्वस नहीं होने का, ऐसा बिल्कुल ठीक है, आप अच्छे काम के लिए आए हो, आप अपना हेल्थ खुद की हेल्थ बनाने आए हो, तो बिल्कुल नर्वस नहीं रहने का, ऐसा हाँ हाँ मैं हूँ जो हूँ ऐसा समझने का, हाँ ठीक है चलो आप आओ, लगा लोगे? नहीं फिर भी इस पे लगाओ एक बार तो इनकी इनको भी क्या पोजीशन देख पाएंगे, चलिए हाँ थोड़ा देखो, नहीं नहीं अभी आपका देखो आप ये आगे आ रहा है आपका बॉडी सीधा रहेगा, ओके हाँ चलो हाँ आपका बॉडी सीधा रहेगा, वेरी गुड, हाँ ठीक है, हाथ ऐसा सीधा भी कर लो या ऐसा कर लो, आपको बैलेंस बनाएगा खाली, ठीक है हाँ वेरी गुड, हाँ ये ठीक है, देखो इस तरीके से घबराना नहीं है आपको, यहाँ स्लो करना है बिल्कुल स्लो मोमेंट के साथ, यहाँ स्लो, यहाँ ब्रेथ आउट, नीचे अगेन डाउन स्लो, 1-2 डाउन, 1-2 अप, 1-2 डाउन, 1-2 अप, यस ठीक है, ये था अपना स्क्वाट जिसको अपन बैठ बोलते हैं बैठक, ये अपन मल्टी प्रेस पे ले रहे हैं चेस्ट के लिए एक्सरसाइज, चेस्ट प्रेस जिसको बोल सकते हैं। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहले आपके फिट पूरे स्टेबल, नीचे आपने देखो हवा में रखें, बिल्कुल टिका के रखो उसको, यस पहला चीज ये। सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है,
आपके ग्लूट्स यहाँ टिके हुए हैं, शोल्डर रिट्रैक्ट करो। यस, शोल्डर रिट्रैक्ट करने से क्या हुआ, ये देखो हल्का सा एक आर्क बना ऐसा, बिल्कुल ये देखो टच नहीं है, ये आर्क बना, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड चीज जो इसको ध्यान रखना है, जब आप इसको पूरा लिफ्ट करोगे तो यहाँ चेस्ट मसल आपका स्क्यूज करना है आपको, ठीक है, ऐसा टाइट करना है। और यहाँ पे वो टाइट कब कैसे होगा, जब आप सांस बाहर छोड़ोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखते हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करो। वेरी गुड, परफेक्ट, डाउन, स्लो डाउन, 1 2 डाउन, आप बिल्कुल टिकाना नहीं उस पर। यस, वेरी गुड, यहां ब्रेथ आउट करना है आपको, सांस बाहर छोड़ना है, मुंह से छोड़ो सांस, कोई इश्यू नहीं है। यस, ओके, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड। एज ए बिगनर आपको 10 रिपीटेशन इसके लेने हैं, वेरी गुड, 7, वेरी गुड, 8, 9, वेरी गुड, अप, दैट्स इट, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज के दो दो सेट आपको लेने के, चलो आप आओ। सेम जो मैंने तीन चीजें बताई है वही ध्यान में रखते हुए आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। थोड़े आप नीचे आ जाओ, मतलब पीछे किसको, थोड़े, ओके, हाँ ठीक है। ये आप प्रॉपर यहाँ पे हाथ रखो तो आपको आइडिया आएगा कि आप आगे हो कि पीछे हो, थोड़ा सा और आगे आना पड़ेगा आपको, बस सही है, ठीक है। सेम प्रॉपर स्टार्ट करो, वेरी गुड, परफेक्ट। आपका अगर थोड़ा सा और पीछे आ जाओ तो बेटर हो पाएगा, थोड़ा सा हल्का सा और पीछे आ जाओ, मैं आपको लिफ्ट कर दूंगा। यस, अभी ज़्यादा आगे लगता, थोड़ा सा पीछे, बस बस सही है, अभी सही है, चलो स्टार्ट करो अभी वर्कआउट, चलो, वेरी गुड। ये देखिए, स्लो स्लो, यहाँ सांस बाहर छोड़ो, यस, शोल्डर रिट्रैक्ट, टाइट करो, हाँ परफेक्ट, वेरी गुड, सांस बाहर छोड़ना है यहाँ पे, वेरी गुड, 5 6 7, अभी अपन 5 किलो यूज कर रहे हैं, 10 किलो यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद में ये आपको इतना लाइट लगेगा, बट ये आज आपको हेवी लग रहा है, वेरी गुड, 10, दैट्स इट, ओके, हाँ, नाइस एंड स्लो। देखो आपके शोल्डर टाइट करो, ये हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा थोड़ा, देखो अपने आप गैप बनेगा, आप ऐसा टिक्के नहीं रहनेगा इसको, ठीक है, ओके, हाँ चलो, वेरी गुड, पूरा डाउन, परफेक्ट, हाँ, यहाँ पे चेस्ट मसल को स्क्यूज करो और ब्रेथ आउट करो, सांस बाहर छोड़ो, ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, 5 6 7 8 9 10। मैं एक एक ही वर्कआउट, एक एक सेट ही शूट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए आपको जब फर्स्ट डे आप आए हो तो भी आपको दो दो सेट इसके परफॉर्म करने हैं। अभी जो अब वर्कआउट अपन लेंगे वो डंबल के साथ में फ्रंट रेजेस, ठीक है, चलो बिल्कुल लाइट डंबल आपको लेना है, ले लो, रोड लो, कोई इश्यू नहीं, ओके, हाँ आप नहीं बार, ये अपन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं किस चीज के लिए, शोल्डर के लिए, ठीक है, शोल्डर के लिए ले रहे हैं, इन्होंने बारबेल से ले रहे हैं, आप डंबल के साथ ले रहे हैं, बारबेल का पोजीशन भी आप ऐसा रहेगा, आप डंबल यहां रखोगे आगे, ठीक है,
आपको ध्यान क्या रखना है, पूरा यहां तक आपको लेकर आना है, बिल्कुल 90 डिग्री यहां तक लेकर आना है, यहां सांस बाहर छोड़ना आपको, और जब नीचे आएगा स्लो मूवमेंट के साथ लाना है। ऐसा नहीं कि ऐसा झटका दिया फटाक से छोड़ दिया, बिल्कुल स्लो मूवमेंट के साथ में आपको अप लेना है और डाउन लेना है, अप लेना है डाउन लेना है, ब्रेथ आउट करना है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करो, चलो देखते हैं, आप बारबेल से स्टार्ट करो। वेरी गुड, परफेक्ट यार, हाँ सही है, हाँ यहाँ ब्रेथ आउट करना है मैडम, आप सांस बाहर छोड़ो, ब्लॉक मत करो सांस को, हाँ यस, हाँ ब्रेथ आउट, सांस बाहर छोड़ना है यहाँ पे, मुंह से छोड़ना आपको, नाक से नहीं, मुंह से छोड़ो सांस, क्योंकि मसल तक ऑक्सीजन रीच जाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगा, आप कर पाओगे आगे। परफेक्ट, वेरी गुड, इसको सपोर्ट लेके नहीं रखना है, खाली हल्का सा आगे रखना है, हाँ हाँ बिल्कुल, थोड़ा टच रखो चाहिए, वेरी गुड परफेक्ट, ये देखो सही कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं। एक हाथ से आपको 5-7, अगर 10 जाता है तो बहुत अच्छा है, बट 5-7 आपको करना है, यानी दोनों हाथ से आप कम से कम 12-13 परफॉर्म करो, और आप सिंगल कर रहे हो तो 10-12 उसके साथ परफॉर्म करो, कंटिन्यू बना के रखो। हाँ बारबेल में भी अगर आप ग्रिप जो ले रहे हो वो शोल्डर जितना, आपका जितना शोल्डर है उतना लेना है आपको, जितना शोल्डर विड्थ है उतना आपको लेना है। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड परफेक्ट, बहुत बेहतरीन, यस वेरी गुड, परफेक्ट रखो, कोई इश्यू नहीं है। एक चीज और मैं आपको जैसे कुछ शेयर करता हूं, आप जिम में आओ उससे एक घंटा पहले आपको एक फ्रूट, एक एप्पल एक या केला एक घंटा पहले आपको खा के आना है, उससे क्या होगा आपका बॉडी में एनर्जी रहेगा कार्ब्स का सोर्स है, तो आप बेटर कर पाओगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है, पानी का बोतल आप लेकर आओ साथ, पानी यहाँ से यूज कर सकते हैं आप, बोतल अपना पर्सनल लेकर आओ, उसमें जैसे आपका अभी जैसे एक सेट लिया, दो सिप आपने ले लिया, तो उससे क्या होगा बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, तो अच्छे से वर्कआउट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और देखो कुछ चीज़ और ध्यान रखना है, कौन क्या वर्कआउट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, उनकी स्ट्रेंथ अलग है इनकी स्ट्रेंथ अलग है, अपनी बॉडी के हिसाब से आप सेट करना है, क्योंकि आप 2 महीने बाद आपकी भी स्ट्रेंथ वैसी होगी। इसके लिए नर्वस बिल्कुल नहीं है, आप बहुत नर्वस लग रहे हो, ऐसा क्या अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा प्राउड फील करने का, बस आप ही हो ऐसा, बंद इधर उधर कुछ नहीं है, मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा सोचने का, मोटिवेटेड रहने का, ऐसा ऐसा अगर आप देखो, आप बोलेंगे मैं बड़ा बनूँ, मैं अच्छा मस्कुलर बनूँ, या अच्छी आप अच्छे दिखें, सबसे पहले आपको अंदर से फील करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ही हूँ जो हूँ, ऐसा है। आप पहले ही सोचेंगे यार मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर नहीं पाऊंगा, ऐसा सोचेंगे तो आधा काम तो आपका वहीं खत्म हो गया। सबसे पहले यही चीज आपको देखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये अपन ने देखो, मैं आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ, अपन ने पुशअप्स लिया, वो कंपाउंड मूवमेंट है, उसमें आपके शोल्डर भी आते हैं, ट्राइसेप भी आते हैं और चेस्ट भी आता है। उसके बाद में अपन ने स्क्वाट लिया, वो लोअर बॉडी आपको यूज करते हैं, उसके बाद में चेस्ट प्रेस लिया अपन ने, वो चेस्ट के लिया, ये लिया किस चीज़ के लिए, शोल्डर के लिए, इसको बोलते हैं अपन फ्रंट रेजेज, आपने डंबल के साथ में लिया, उन्होंने बारबेल के साथ लिया, ठीक है। चलो उसको रखो, अभी अपन जाते हैं अपना नेक्स्ट बॉडी पार्ट, अपन दो और बॉडी पार्ट ट्रेन करेंगे, एक बाइसेप और एक ट्राइसेप, एक एक एक्सरसाइज उसका लेंगे, ठीक है। ट्राइसेप सबसे पहले आओ, अपन ट्राइसेप लेते हैं, इसको देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। सबसे पहले बारबेल को यहाँ पे आपको ग्रिप करना है, ग्रिप करने के बाद में ये आपकी पोजीशन रहेगी, हिप को इसको बोलते हैं हिप को हिंच करना, ऐसा, यानी थोड़ा आप ऐसा रख सकते हो, नी को सॉफ्ट रखेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल कड़क टाइट, ऐसा नहीं, थोड़ा नी को सॉफ्ट रखेंगे, ये आपकी पोजीशन रहेगी, और ये बैक पूरा स्ट्रेट, आपके शोल्डर पूरे रिट्रैक्ट, यहाँ से आपको ये मोमेंट तक लाना है, यहाँ यानी पूरा आपका ये जो ट्राइसेप है वो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपका, उसके बाद में आप यहीं तक लेकर आओगे, इससे ऊपर लेके जाओगे तो रिलैक्स हो जाओगे, यहाँ से ऐसा, ठीक है। स्टार्ट करो,
देखते हैं कर पाते हो कि नहीं आप। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड। थोड़े शोल्डर ऐसा चेस्ट बाहर निकालो, शोल्डर डिटेक्ट करो, यस, नजर तो गर्दन थोड़ा ऊपर उठाओ, परफेक्ट, हाँ सही है, वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट, हाँ। ट्राइसेप यानी ये यहाँ पे आपको, वेरी गुड, परफेक्ट, यहाँ पे आपको फील होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड। 10 रिपीटेशन आपको इसके करने हैं, ये अपन ले रहे हैं ट्राइसेप के लिए। सांस का मूवमेंट रोको मत, जब यहाँ पे सांस बाहर छोड़ना है आपको, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। 9 एंड लास्ट 10, रिलैक्स, वेरी गुड। आओ, हाँ बिल्कुल सीधे रहो, कोई इश्यू नहीं, अपर बॉडी पार्ट पूरा फिक्स रहेगा, मूवमेंट खाली ये रहेगा, ओके, यस, हाँ ठीक है, ओके, इतना ऊपर नहीं, यहीं तक आपको, हाँ बस यहीं नीचे डाउन जाओ, स्लो मूवमेंट के साथ आने दो उसको, स्लो मूवमेंट के साथ ऊपर आने दो, बस यहीं तक, हाँ यहाँ से नीचे जाने दो, यस, वेरी गुड, ठीक है, स्लो स्लो स्लो, जाएगा तो भी स्लो और नीचे जाएगा तो भी स्लो, यहां सांस बाहर छोड़ना है, आप सांस को ब्लॉक मत करो, ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, परफेक्ट, वेरी गुड, बहुत बेहतर कर रहे हो, पहला दिन होने के बावजूद भी इस तरीके से कर रहे हो, कुछ टाइम बाद में और भी अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म कर पाओगे। शुरू में आप जो भी एक्सरसाइज करोगे छोटा मोटा मिस्टेक्स उसमें होगा, बट आगे चल के वो सही हो जाएगा, परफेक्ट, ग्रिप पूरा रखो, हाँ प्रॉपर रखो, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। कहाँ प्रेशर फील हो रहा है? यहां पे ना, यस, ट्राइसेप, इसका मतलब सही कर रहे हो, हाँ चलो अब 10 के वेट के साथ करो, ठीक है, हाँ वेरी गुड, सही है, थोड़ा चेस्ट बाहर निकालो, हाँ ओके, परफेक्ट, सही है, हाँ ये देखो पूरा आपका, यहाँ देखो पूरा आपका ट्राइसेप पे उसका प्रेशर आएगा, वेरी गुड, यहीं तक लेना है आपको, हाँ बस यहीं तक आपको लेना है, वेरी गुड, ये देखो ट्राइसेप पे आपको प्रेशर फील होगा, यस, वेरी गुड, यस, यहाँ ब्रेथ आउट करो, सांस ब्लॉक मत करो कोई भी एक्सरसाइज में, अच्छा नी देखो थोड़ी सॉफ्ट करो आप, हाँ ऐसा करो उसको तो प्रॉपर रहेगा, ऐसा बिल्कुल जकड़ो मत उसको, ऐसा, वेरी गुड, परफेक्ट, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, 9 10, यस, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई सबके आपको दो दो सेट आपको कम से कम करना है, और 2 वीक तक कंटिन्यू सेम वर्कआउट आपको रखना है, उसके बाद में थोड़े चेंजेज करेंगे, ठीक है, उसके बाद में अपन एक एक्सरसाइज लेते हैं बाइसेप के लिए, उसको बाइसेप्स को अपन डंबल से ले लेते हैं, ठीक है, आप रोड से ले लो, चलो आओ, ये जो एक्सरसाइज ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाइसेप के लिए, ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, पहले आप बॉडी देखो, आपका जो मूवमेंट है क्या होगा, ये आपके हाथ यहाँ रहेंगे, ठीक है, आगे चल के जब ज़्यादा वेट होगा तो वैसे रख सकते हैं, बट आप फिलहाल ये ऐसे हाथ रखोगे, उसके बाद में ये मूवमेंट आप परफॉर्म करोगे, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे आपको ब्रेथ आउट करना है, सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं रखोगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगे उसका, ठीक है, हाँ ये मूवमेंट के साथ आपको परफॉर्म करना है, एक हाथ से आप भी उसको सेम ये ग्रिप रखोगे, उसके बाद में परफॉर्म करोगे, ठीक है, ओके, चलिए अभी आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट, चलो, वेरी गुड, यहाँ ब्रेथ आउट, ब्रेथ आउट, परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड, यस, सही है, परफेक्ट है, वेरी गुड, ये आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट एक हाथ से आपका 10 जाए, अगर 10 नहीं भी जाए तो 8 तो पक्का जाना चाहिए, अगर 8 भी नहीं जा रहा इसका मतलब आप इससे कम वेट लो, वेरी गुड, वेरी गुड,
इसमें देखो जो ध्यान रखना है आपका, ये आगे ही रहना चाहिए। यस, हाँ वेरी गुड, चलो उठाओ, वेरी गुड, देखो ये देखो पूरा परफेक्ट, वेरी गुड, हाँ परफेक्ट है, यस यस परफेक्ट। यहाँ अप करो, ब्रेथ आउट करो, परफेक्ट, बिल्कुल सही है, 10-10 आपके हुए, यस। ये अपने क्या क्या ट्रेंड किया आपने बताओ, पुशअप्स में क्या आता है, नी पुशअप्स अपन ने लिए, बट उसमें आता है शोल्डर आपका पार्ट आता है, मेजर चेस्ट आता है बट शोल्डर भी उसमें इंक्लूड होता है, छोटा मोटा ट्राइसेप भी उसमें आता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने लिया है स्क्वाट, वो आपकी लोअर बॉडी के लिए लिया। उसके बाद में अपन ने प्रेस लिया, चेस्ट प्रेस, तो वो चेस्ट के लिए लिया। उसके बाद में अपन ने क्या लिया, शोल्डर के लिए फ्रंट रेजेज लिया। उसके बाद में अपन ने ट्राइसेप के लिए केबल पुश डाउन लिया, ठीक है। और उसके बाद में ये बाइसेप कर्ल, आपने डंबल कर लिया, उन्होंने बारबल कर लिया, यानी आपकी बॉडी का पूरा एक एक बॉडी पार्ट ट्रेंड हुआ। आपका बैक का पार्ट एक मिसिंग है, एक एक्सरसाइज और करते हैं, उसके बाद आपका ये वाला, यही रूटीन आपको 2 वीक तक आपको रखना है, जब तक आप और थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओ, उसके बाद उसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। अपन जो लेट पुल डाउन बैक के लिए ट्राई करते हैं, आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते, अगर कर पाते हैं तो देखते हैं अपन, ठीक है। चलो उसको रहने दो, डंबल आप रखो और ये हाँ क्लोज ग्रिप के साथ ही रखो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। ये अपन जो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं लेट पुल डाउन क्लोज रिवर्स ग्रिप के साथ में ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखो, मैं जो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ चेस्ट तक इसको लेकर आना है, पूरा जो शोल्डर है आपके, इवन आपके मूवमेंट भी है, अभी थोड़ा डाउन लो, रिट्रैक्ट ऐसा, देखो शोल्डर ऐसा, हाँ बस ये, यानी पूरा ऐसा शोल्डर को ऐसा ऊपर नहीं छोड़ देना आपको, ठीक है। ये रखना है, जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट यानी यहाँ आप लाओगे, उसके बाद 2 सेकंड का होल्ड रखना है, 1 से 2 सेकंड, और फिर सांस बाहर छोड़ना है, जब ऊपर जाएगा स्लो जाएगा, ऐसा नहीं कि एकदम से आप छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसके साथ आप चेक करते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं, चलिए स्टार्ट करो, थोड़ा और नीचे डाउन, वेरी गुड, नहीं नहीं इतना भी नहीं, यहाँ चेस्ट यहाँ पे, हाँ वेरी गुड, ठीक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बस इतना ही, इतना ही, इसको पूरा मत छोड़ो, वहाँ बस डाउन लो, यस परफेक्ट, थोड़ा और डाउन लो, यहाँ बस यहाँ पे आपको ब्रेथ आउट, 1 सेकंड होल्ड और ब्रेथ आउट करना है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड परफेक्ट, वेरी गुड, 8, 9, 10, रिलैक्स। इसको आप वी हैंडल का यूज करते हुए भी इसको काम में ले सकते हैं, और ग्रिप को इन्होंने रिवर्स पकड़ा है, आप यहाँ पे फ्रंट ग्रिप यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ जो नॉर्मल ग्रिप से उससे ट्राई करो एक बार, ओके। अभी शुरू में आपको ग्रिप यही रखना है, बट आगे चल के इसका जो ग्रिप का और अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए तो अपने जो चैनल है उस पर बैक वर्कआउट है, बैक वर्कआउट में पूरा डिटेल इसका अवेलेबल है, ठीक है। चलो आप स्टार्ट करो, वेरी गुड, स्लो, हाँ वेरी गुड, वेट मैं कम करूँ, 1 सेकंड रुको, डाउन करो, अच्छा वेट आपका ज़्यादा था, क्या बात है, ऐसा है ध्यान नहीं दिया आपने, बोला भी नहीं, ठीक है, पहले कम वेट के साथ ही आपको करना है, 10 कर दूँ, ओके ओके वेरी गुड, हाँ स्लो स्लो स्लो, इतना नीचे नहीं लाना है, यहाँ पे यहाँ यहाँ चेस्ट तक, और ऊपर थोड़ा ऊपर,
ये पोजीशन तक, यहां तक आएगा, यहां पे आपको पूरा कॉन्टेक्ट करना है, एक सेकंड तक होल्ड रखना है और ब्रेथ आउट करना है, ठीक है? ओके, चलो ऊपर लो, ऊपर जाने दो, जाने दो, जाने दो, वो जाने दो, बस यहीं तक, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसके ऊपर जाते ही आपका शोल्डर का पोजीशन, देखिए शोल्डर का पोजीशन ऐसा है, यहां से ऊपर जाते ही ऐसा हो जाएगा, तो अपने को यही पोजीशन में रखना है उसको। ओके, वेरी गुड, परफेक्ट, डाउन, वेरी गुड, अप, अप, हाँ, वेरी गुड, ब्रेथ आउट करो, यहां ऊपर जाने तो थोड़ा सा, बस सही है, वेरी गुड, परफेक्ट, सही है, नाइस एंड स्लो, वेरी गुड, वेरी गुड, एट, लास्ट टू, ओ, वेरी गुड, एंड लास्ट, स्लो मोमेंट के साथ आपको रिलीज करना है। यस, बहुत बेहतर परफॉर्म किया आपने एज ए फर्स्ट डे के हिसाब से, बहुत बेहतरीन। चलिए आप आओ, यूज करना है ये हैंडल से करना है, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं साथ में। आप इवन इसमें से किसका भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, पोजिशंस बिल्कुल सेम रहेगी आपकी। चलो, हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ, यहाँ पूरा, थोड़ा नीचे, ऊपर पूरा मत छोड़ो, हाँ, यहाँ कॉन्टेक्ट करो, नीचे आएगा तो, हाँ, एक सेकेंड का होल्ड, ब्रेथ आउट, यहाँ सांस बाहर छोड़ो, उसके बाद में ऊपर जाने दो। यस, ये देखो पूरा आपका यहाँ पे, ये जो लेट मसल इसको बोलते हैं, जिसको आप फिलहाल बैक बोल सकते हो, तो यहाँ पे पूरा प्रेशर आपका फील हो रहा है, ये देखो, वेरी गुड, थोड़ा डाउन, वन टू डाउन, वन टू अप, डाउन, ब्रेथ आउट यहां पे, एंड यहां सांस बाहर छोड़ो, ऊपर जाने दो, ये एट, लास्ट टू, नाइन एंड टेन, वेरी गुड, ठीक है। अभी अपन ने सबसे फर्स्ट वार्म अप्स लिया, उसके बाद में ये अपन ने वर्कआउट परफॉर्म किया। अभी वर्कआउट हो जाने के बाद में आपको स्ट्रेचिंग मस्ट है, स्ट्रेचिंग आपको लेना ही लेना है। स्ट्रेचिंग से क्या होता है, आपका बॉडी पेन नहीं करेगा, जो सोरनेस नहीं आएगा, बॉडी पेन नहीं करेगा, और दूसरी जो मसल, जो आपने जो मसल को टॉर्चर किया है, उसकी रिकवरी फास्ट होती है। तो वो छोटा सा 2 मिनट का स्ट्रेचिंग है, वो आप करो, वो आपको करना ही करना है, भले आप कंटिन्यू कितना भी वर्कआउट करो, वार्म अप्स एंड स्ट्रेचिंग ये आपको लेना ही लेना है, ठीक है। चलिए मैं आपको स्ट्रेचिंग थोड़ा सा बताता हूँ, आ जाओ खाली, बस जो स्ट्रेचिंग ले रहे हैं वो यहाँ आपको हल्का सा अपने रिस्ट को ऐसा पकड़ो और इसको 10 सेकेंड तक आपको होल्ड करना है, ऐसा, हाँ हाँ, ये आपका पूरा फोरआर्म्स और ट्राइसेप स्ट्रेच करेगा, हाँ, सेम आपको दूसरे हाथ से सेम करना है, ठीक है। उसके बाद में शोल्डर एंड ट्राइसेप, यहाँ पे आप ये वाला जो हाथ है घूमो, हाँ, आप इधर, हाँ, आप घूम जाओ, वो साइड घूमो, आप उधर घूमो, हाथ नीचे पूरा प्रॉपर रखो, हाँ, इस तरीके से ऐसा हाथ रखना है, और ये वाले हाथ से इसको हल्का सा जितना आपको हो सके प्रेशर देना है, ठीक है। आप सीधे, मतलब गर्दन सीधा रखो, हाँ, यस, हाँ, ये यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रेच होना चाहिए, 10 सेकेंड कम से कम होल्ड रखना है, 10 से 15 सेकेंड होल्ड रखना है, रिलीज करना है, दूसरे हाथ से करना है, ये दो दो तीन तीन बार आपको ये मूवमेंट आपको करना है। ये ट्राइसेप के लिए स्ट्रेच है, यस, परफेक्ट। उसके बाद में शोल्डर का स्ट्रेच, ये वाला हाथ है, आप इसको ऐसा लोगे, ये हाथ आप धक्का मार रहे हो और इससे रोक रहे हो, ठीक है, मतलब ये हुआ, इसको बाहर धक्का मार रहे हो और ये हाथ से इसको रोक रहे हो, पूरा आपका शोल्डर पे रिट्रैक्ट होना चाहिए, हाँ,
सेम आपको वो हाथ से भी लेना है ठीक है। अभी बैक के लिए, बैक की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करो, जैसे कोई भी ऐसा सपोर्ट ले लें, जैसे ये वाला सपोर्ट है, आप इसको लो, दोनों साइड से इसको ऐसा पकड़ो और पूरा ऐसा स्ट्रेच करो, ऐसा देखिए, देखो ऐसा ऐसा कर सकते हो। उसके बाद में ऐसा भी आप कर सकते हो ठीक है, करो हाँ। ये नहीं, आपको यहां ये स्ट्रेच करना है, ये फिक्स, ये पूरा, ये नहीं यहां पे, हाँ ये यहां पे पूरा आपको प्रेशर फील होना चाहिए यहां पे, हाँ यहां, हाँ 5-7 सेकंड 10 सेकंड कम से कम स्ट्रेच करो उसको। यस परफेक्ट सेम, हाँ दोनों, एक हाथ ऊपर एक थोड़ा नीचे ले लो, हाँ ऐसा उल्टा, हाँ ऐसा, हाँ अभी ये वाला हाथ ऊपर वो वाला नीचे, हाँ हाँ थोड़ा अभी यहाँ है, उसको यहाँ पकड़ो, इसको थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा वो, हाँ उसको, हाँ बस सही है, चलो वेरी गुड, अप करो अभी, गर्दन सीधा रखो, हाँ पूरा ऐसा स्ट्रेच करो उसको बॉडी, वेरी गुड, आप भी आ जाओ, थोड़ा ग्लूट्स आराम से सीधा रखो, ऐसा 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 घुटना घुटना ऐसा करो, ये सीधा, ये बिल्कुल, ये गर्दन सीधा करो ना यहाँ, मतलब ये पूरा प्रेशर इस पर आना चाहिए, देखो ये देखो, मैं ऐसा कैसा, ऐसा नहीं करने का, ये ऐसा ऐसा रखो टाइट, ये देखो ये इधर, पहले इधर देखो, ये पूरा टाइट गर्दन, अभी आपका ऐसा हो रहा है, इसको अंदर लो, हाँ इसको ऐसा ऐसा पूरा ऐसा, वो धीरे धीरे होएगा, ये नहीं, लेकिन मैन ये स्ट्रेच होना चाहिए आपका ठीक है। अभी एक जो स्ट्रेच आपने जो स्कोट लिया, उसके लिए क्या करने का, पहले यहाँ इसको हल्का सा सपोर्ट लेने का, और ये आपका एंकल यहाँ से उसको ऐसा 10 सेकेंड इसको स्ट्रेच करने, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, नॉर्मल यहां से बस, ये चलो 1 मिनट, हाँ चलो करो, आप एक उस पर ले लो, हाँ 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 स्ट्रेच करो इसको, यस हाँ ये बाहर इधर से पकड़ो, बाहर की साइड से पकड़ो उसको, नहीं 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 ये हाथ इधर से, हाँ यस दैट्स यस, 10 सेकंड उसको होल्ड करना है, आप इस पर आ जाओ, ऐसा भी कर सकते हो अगर, लेकिन वो बैलेंस नहीं बनता है शुरू में, इसके लिए मैंने वो आपको सपोर्ट के लिए बोला है, हाँ ऐसा भी कर सकते हो, अगर विदाउट बैलेंस कर लेते हो तो बहुत बेहतर है ठीक है। हाँ ये दोनों पैर से आपको करना है, ठीक है, और एक और जो स्ट्रेच आपको करना है, इसको ऐसा सपोर्ट लेने का, और इसको, ये है आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, करो हाँ परफेक्ट सही, 10 सेकंड होल्ड रखने का, वेरी गुड, उसके बाद में दूसरे पैर को, परफेक्ट, तो इधर आ जाओ, ये आपका फर्स्ट डे और आपका वर्कआउट, जो आपका 2 वीक तक कंटिन्यू यही शेड्यूल आपका चलेगा, तो कैसा लगा बोलो मुंह से यार, ऐसा ये क्या है, अच्छा लगा, कैसा लगा, अच्छा लगा, वेट हेवी लगा, शुरू में हेवी लगेगा फर्स्ट डे, जब धीरे धीरे ये जो वेट है आपका वार्म अप में काउंट होगा, उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे ठीक है। बी मोटिवेटेड,
एक्सरसाइज करते रहो और अपने गोल को अचीव करो. दैट्स इट.